अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अलियान भुल्लर विद जोन फैक्टर यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो स्पेशल डेडिकेट टू अहमद भुल्लर एंड ऑल पबजी लवर्स। इन दिस वीडियो वी लर्न डैट हम पबजी गेम का कोई भी हिस्सा कैसे क्रॉप कर सकते हैं, कैसे उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे उसको HD मोड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं टॉपिक की तरफ, लेट्स गो। दोस्तों मैं आपको एक बात वाजे करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले कि ये देखिए मेरा डाटा सिस्टम ऑफ है, तो आपने भी इसको ऑफलाइन मोड में यूज़ करना है, इसको ऑनलाइन नेट चला कर इसको यूज़ नहीं करना है कि मे बी इससे ये हो कि आपका डाटा या फिर कुछ इस तरह की अनवांटेड चीज़ें जो है ना इंस्टॉल हो सकती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करनी है आपने इसको जो है ना ऑफलाइन मोड में यूज़ करना है, ऑनलाइन मोड में यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर डाटा जो ना वो ऑफ होना चाहिए, कि आपने एडिटिंग करनी है, एडिटिंग वैसे भी ऑफ होनी चाहिए। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है, जैसे जो क्लिक इसका आप को नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 721। ठीक है, ये मैं अपना नाम रख रहा हूँ। और उसके बाद इसका जो साइज़ है ये आपने 16 आगे आपके सामने जो /9 है, तो उसने इस क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जितना भी डाटा सारा टोटली वो यहाँ पर आ जाएगा, व्हाट्सएप का, स्नैपट्यूब का, जो भी आपका डाटा वो सारा इंटरनेट, यहाँ पर फोल्डर जो है ना, यहाँ पर वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। बने पूछना है यहाँ से आगे क्या करना है भाई, तो यहाँ से आगे आपने क्या करना है, आपने कोई वीडियो उठानी है ऊपर क्लिक, तो हमने फाइनली कोई वीडियो सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने ये देखें, ये एक है प्ले, आप यहाँ पर देख सकते चेक कर सकते हैं कौन सी वीडियो है। ठीक है, ये पबजी की वीडियो है। ठीक है, इसको हमें बैक करना है, तो यहाँ प्ले के बाद कोई भी वीडियो बता, ये इसको भी प्ले यहाँ ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या भी ये वही वीडियो हम उठा रहे हैं। उसके बाद प्लस पे आपने क्लिक करना है, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपने इस पर क्लिक करना है, इस वीडियो पर, जैसे इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये डिलीट का ऑप्शन, इसके तरह एक आपको पेंसिल का कॉर्नर में ऑप्शन शो हो रहा था, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपको आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नीचे ये टूल बार आपके सामने शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो करनी है वो एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, तो एडजस्टमेंट उसके बाद ब्राइटनेस पे आ जाना है। ब्राइटनेस पे आने के बाद आपने इसकी ब्राइटनेस को आपने 22 पे रखनी है, 21, 22। ठीक है, हमने कुछ 22 पे रखनी है, क्योंकि उसकी वजह से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना वीडियो को, अब यहाँ अच्छा नज़र आएगा हो सकता है कम, लेकिन जब आप तस्वीर एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। उसके बाद कंट्रास्ट आपने 100% करना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिचुएशन में क्लिक करना है, यहाँ पर इसको भी आपने जो है ना 120 120 121, इससे ज़्यादा नहीं करना, यही रखना है। तो ये सबसे पहले और मेन चीज़ यही है। ठीक है, उसके बाद आपने अगेन दोबारा इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने जो है ना आर्ट वॉल्यूम में क्लिक करना है। वॉल्यूम क्लिक करने के बाद इसको आपने 100% कर देना है, ताकि आपको जो आवाज़ है इसकी क्लियर नज़र आए, और फेज इन है इसको भी 200। तो आपने ये करने के बाद आपने बैक दोबारा आ जाना है, प्ले कर सकते हैं वैसे इसको। ठीक है, तो ये मैंने क्लिप उठाया एक पबजी का एग्जाम आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करने के बाद अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। अब आपने ना फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आपने, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपने ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लाई ओवर आप फ्लाई आपने की है, वो आप अपने इसे ना वो पार्ट देख लीजिएगा, यहाँ से आपने इसको काटना है, तो ये स्प्लिट का ऑप्शन है। ठीक है, यस क्लिक करेंगे तो इसकी दो पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, दो पार्ट बन जाएंगे। अब आप इस पार्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये एक सिंगल बार परेशान ना होइएगा, ये अंडू कर सकते हैं आप इसके ज़रिए, वो दोबारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, वो कटा हुआ है, जो पार्ट आपने काटना है उसको काट दें। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास बचा है, तो उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करें तो इस तरह का फिर ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद पेंसिल पे क्लिक करें, अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ना, मेन जो इसमें है आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको कोई भी इस तरह की चीज़ है वो चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको सिर्फ क्लिक करें, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद आपको ये ऐसा एग्जांपल तो पर नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए और यहाँ से आगे चाहिए, सेंटर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो दोबारा स्प्लिट क्लिक करें तो ये इसके बाद ये पार्ट्स बन जाएगा। इसको जो है ना, जो सेंटर वाला है इसको आपने डिलीट कर देना है, तो ऑटो मर्ज हो जाएगा, जो आगे वाला ही इसकी जो है ना
वो आपके साथ आ जाएगा, यानी जो आपने पार्ट नहीं चाहिए वो आप इजीली यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत, उसके बाद अगर दोबारा एडिटिंग करनी है तो पेंसिल इसको दोबारा क्लिक करना है तो दोबारा ये पेंसिल शो हो जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप फ़िल्टर कर सकते हैं इसको, आप वीडियोज़ की फ़िल्टर भी जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप छेड़ना नहीं है अभी, जो आपकी वक्त की नज़ाकत है वो यही है, आपने इसको जो है ना इस तरह क्रॉपिंग जूमिंग जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करें आप, जैसे लोग कहते हैं कि यार मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, ये सारे वही इफेक्ट हैं जो अगर वीडियो अप्लाई करेंगे तो वीडियो की जेन्युइन शेप उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह के नज़र आ रहे हैं वीडियो बिल्कुल उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी डिग्रीज भी होती हैं कि आप उस इफेक्ट को ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं डार्क या ब्लर या जैसे करना चाहते हैं, तो वो पूरी वीडियो वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी पार्ट में भी कर सकते हैं, जैसे आप सबमिट करके ना कोई पार्ट भी कर सकते हैं आप, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना दूसरे सेटअप की तरफ आएंगे, वो ये होगा कि अगर आप इसमें ना नेम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने इस ऑप्शन में क्लिक करना है, ये दो मैं आपको, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे नेम्स लिखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं बासानी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, प्ले करके पहले इसे देख लें कि इसकी शेप देता कैसे है, ये देखिए ये नेम है। तो हम इस तरह का प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर पेंसिल पे क्लिक करें, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और एडिट पे क्लिक करें, फिर एडिट पे क्लिक करें, उसके बाद ये जो नाम लिखा हुआ पावर ट्रैक्टर का, ठीक है, इसको आपने जो है ना रेज करना है, इसकी जगह जो है ना वो जोन फैक्ट मेरे चैनल का नाम लिख दें बेशक। उसके बाद नाम लिखने के बाद आपने जो है ना इसको इंटर करना है, ओके करना है, ठीक है। तो उसके बाद फॉन्ट्स पे आप जा सकते हैं, फॉन्ट्स इसके जो होंगे डाउनलोड कर सकते हैं अगर ना हो तो। उसके बाद कलर्स हैं, जो कलर्स आप अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी है, ठीक है। तो अब इसको हम प्ले करते हैं, तो इस तरह का देखें, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ये शो हो रहा है। तो और भी बहुत सारे हैं नेम्स, आप कोई भी इसको वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं सॉन्ग की तरफ आते हैं, हमने जो सबसे पहले हमने वॉइस लगानी है, जो वॉइस हम जैसे मैं मेरे वीडियो में वॉइस डबिंग आ रही है तो हमने वॉइस करनी है, ठीक है। तो ये जो साइड पे कॉर्नर आपको वॉइस है, इसके बाद इस तरह का ऑप्शन होगा, तो उसके बाद जो पहला है उसके बाद जो होगा रिकॉर्डिंग है, साइड पे क्लिक करें, जैसे ये रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है, मैं बोल रहा हूँ जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है, ये देखें साइड पर ना वो ऑप्शन आ रहा है वो आपके सामने, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इसको सेव रीटेक या रीप्ले दोबारा जो सुनना चाहते हैं ना वो ईजिली सुन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी मेन चीज़ है कि हम इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे दें, उसके लिए भी आसान से तरीका है, ये आपके जो जो सारे फोल्डर्स हैं, ठीक, जिसमें आपके सॉन्ग MP3 ठहरे हुए हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्नैप जो ये सॉन्ग जो भी हैं, स्नैप जो ऑडियो है, इसमें आप जो है ना कोई भी सॉन्ग MP3 ले सकते हैं, और MP3 ये सॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लस पे क्लिक किया है, जैसे प्लस पे क्लिक किया है तो इसकी ये परसेंटेज आ रही है, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत बड़ा है, ठीक है। मैंने इसलिए डाउनलोड करके रखता हूँ ताकि बहुत ये बहुत बड़ा है, इसलिए वो परसेंटेज आगे 100% होगा, जैसे 100% होगा। उसके बाद आप इसकी वैसे ही पेंसिल पे क्लिक करें, इसकी एडिटिंग करें, इसके वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम आपको ख्याल रखिएगा, इसका वॉल्यूम आपने 9 से 10 तक करना है, 9-10 के अंडर करना है, 10 से ज़्यादा नहीं करना है। फेड इन है जो इसको 100 जो है ना वो 200% कर देना है, और फेड आउट को भी 200% करना है, लेकिन जो मेन वॉइस है उसको आपने 10 से अंडर रखना है, ताकि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का सा चले और जैसे भी वीडियो ज़बरदस्त है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो हमने इसको एक्सपोर्ट का है, तो आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉर्नर में आपको, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो गए हैं, तो आपने सेव टू गैलरी, उसके बाद ये जो जो पहला वाला ऑप्शन है 1080 का, ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। जो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसकी जो ये विदाउट वाटरमार्क है, ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, ठीक है, और इससे आप एक्सपोर्टिंग होगी और वो 1080 तक हो सकती है। बाकी कोई भी आप उठा लें उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, कि प्ले स्टोर से इधर उधर उठा दें उसमें वाटरमार्क भी आ सकता है, वो परचेजिंग का, ये परचेज्ड है, फुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यूट्यूब पर, तब दीजिए इजाज़त, तो हमें बहुत सारी याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।